मुस्लिम वुमेन्स राइट डे। जी हाँ, ऐसा भी एक डे है जो आज पूरे इंडिया में सेलिब्रेट हो रहा है। मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले यानी ट्रिपल तलाक के खिलाफ बनाए कानूनों को आज 2 साल पूरे हुए और पूरा हुआ हर एक मुस्लिम नारी का हमारे देश के संविधान पर भरोसा। जी हाँ, ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून लागू होने के बाद इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की इस हिस्टोरिक इनजस्टिस में बहुत ही भारी कमी आई है और मुस्लिम महिलाएं भारत देश में सर उठाकर एक डिग्निटी भरी लाइफ जी रही हैं। अब आज जो मुस्लिम वुमेन्स राइट डे सेलिब्रेट हो रहा है, इसका बहुत ही गहरा मतलब है। आज के न्यू इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट किसी नेता के इंटरव्यू का ही नहीं, लेकिन महिलाओं के जीवन का असली हिस्सा है। मात्र इलेक्शन का भाषण या किताबी चीज नहीं है। अब कोई महज एक रोटी जल जाने पर या खाने में नमक कम होने पर या फिर चाय में शक्कर ज्यादा हो जाने पर एक महिला और उसके बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर सकेगा। एक देश में एक रूल होगा और वो रूल सबके लिए सेम होगा। ट्रिपल तलाक की तलवार लटकी नहीं रहेगी तो मुस्लिम महिलाएं भी एक सुनिश्चित भविष्य की रोशनी में आगे बढ़ेगी, कुछ कर दिखा पाएंगी। वैसे तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? और अब जब हुआ है तो कब हुआ और किसने किया, ये भी जरूर गौर कीजिएगा। और हाँ, जाते जाते एक और चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि जो लोग थैंक यू मोदी कैंपेन चला रहे थे, उनको बड़ा मजा आ रहा था ये सब करके। तो क्या इस पर भी एक थैंक यू मोदी जी चैलेंज हो जाए?